और अब बात दिल्ली की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब जेल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की रिहाई इंडिया गठबंधन के एक सियासी दल को रास नहीं आ रही है। आखिर कौन सा है वो सियासी दल, दिखाते इस रिपोर्ट। बारिश के बीच सीएम भगवंत मान हो, झूमते सांसद संजय सिंह या आपके कार्यकर्ता हो, सभी के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। आखिरकार उनके नेता को शराब घोटाले में राहत जो मिली है, तभी तो केजरीवाल तिहाड़ से निकलकर सीएम आवास तक रोड शो करते हुए पहुंचे और हुंकार भरते रहे। केजरीवाल भर जाएगा, केजरीवाल के होश में टूट जाएंगे, केजरीवाल का साहस टूट जाएगा। दोस्तों, जेल की दीवारों ने मेरे साहस को 100 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कम नहीं कर सकती, कमजोर नहीं कर सकती। मेरी बाकी की जिंदगी देश को समर्पित है। मेरी जिंदगी का एक एक पल, मेरे खून का एक एक कतरा और मेरे शरीर का एक एक कतरा मेरे देश के लिए समर्पित है। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है तो सियासत तो होनी तय है। बीजेपी सवाल उठा रही है, लेकिन कोई और भी है जिसे दिल्ली के सीएम की रिहाई रास नहीं आई, क्योंकि अखिलेश ने खुशी जताई, तेजस्वी ने ट्वीट किया, पवार को भी इसमें लोकतंत्र की नींव मजबूत दिखी। मगर केजरीवाल का बाहर आना शायद कांग्रेस को नागवार गुजर रहा है, क्योंकि कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता सोनिया, राहुल, खड़गे, प्रियंका का ना तो बयान आया और ना ही ट्वीट। तो क्या इसके पीछे हरियाणा में खेला होने का डर है? क्योंकि कांग्रेस आपका कोई गठबंधन नहीं हुआ, कांग्रेस 89 और आप 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। केजरीवाल के आने से कांग्रेस को नुकसान, वोट बढ़ने से बीजेपी को सीधा फायदा होगा, हालांकि लोकसभा में कमाल नहीं कर पाए। केजरीवाल के प्रचार के बावजूद रिजल्ट 0 रहा। दिल्ली में आप कांग्रेस कोई सीट नहीं जीत पाए। वैसे तो केजरीवाल की पार्टी ने लोकसभा में 5 राज्यों की 22 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन पंजाब में 3 सीट छोड़कर उसका कहीं भी खाता तक नहीं खुला। और तो और, भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस हाईकमान हमेशा से केजरीवाल के निशाने पर रहे, और अब हरियाणा चुनाव के बीच जमानत पर बाहर आए केजरीवाल अगर बिगाड़ सके तो उसी कांग्रेस का खेल बिगाड़ेंगे। क्या इसीलिए आप इतनी खुश हैं और कांग्रेस नाराज, और बीजेपी बाहर से नाराज होकर भी अंदर से खुश, क्योंकि हरियाणा में अगर इसका फायदा होगा तो वो बीजेपी को। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है बिहार के पटना से, जहां पर दिन दहाड़े एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, सीसीटीवी कैमरे में हमलावर जो थे वो कैद हो गए। ये देखिए किस तरीके से एक प्रॉपर्टी डीलर जिसकी दिन दहाड़े हत्या की गई और उसके बाद हत्यारे वहां से फरार हो गए। एक प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारी और फिर ये देखिए आप पीछे जो शख्स बैठा हुआ है उसके हाथ में पिस्टल है और उससे गोली चलाकर वो फिर वापस जाता है और कंफर्म करता है, उसके बाद भागकर वापस आके बैठ कर, और तीसरा शख्स जो है वो भी आके बैठता है और उसके बाद ये लोग फरार हो जाते हैं। पटना में ये गोलीकांड हुआ है जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे में ये हमलावर जो थे वो कैद हो गए। इनको लग रहा था कि हम ये अपराध करेंगे और अपराध करके फरार हो जाएंगे, लेकिन सीसीटीवी कैमरे की नजर में ये आ गए और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हत्या को अंजाम देकर यहां से फरार हो गए। आतंकियों ने जिस घर में ली थी पनाह उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। रिपब्लिक भारत के साथ आतंकी ठिकाने की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। पुंछ में सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना ने बरामद किए पेन, प्लास्टिक की गेंद और ईंट की आईडी। जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स के आतंकी सहयोगी से हुई बरामदगी, जांच में जुटी सेना। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव, तोड़ डाले 3 कोच के शीशे, पूरे मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। उधर मणिपुर में आज कर्फ्यू में दी गई ढील, 3 जिलों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक दी गई ढील, जरूरी काम को पूरा करने के लिए राहत दी गई।
सेना ने उत्तरी सिक्किम में किया भूकंप ड्रिल, रोगी को बाहर निकालने और सफलतापूर्वक अस्पताल पहुंचाने का किया अभ्यास। सेना के साथ एसएसडीएमए एनडीएमए भी भूकंप ड्रिल में रहे शामिल। डीआरडीओ ने भारतीय लाइट टैंक का किया सफल परीक्षण, टैंक ने टारगेट पर लगाए सटीक निशाने, पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों में मिलेगी मदद। लेह लद्दाख में जंस्कर उत्सव समारोह का आयोजन, समारोह की भव्य तस्वीरें आई सामने। पूरे हिमाचल प्रदेश में आज हिंदू संगठनों का बंद का आह्वान, गाड़ियों में लाउड स्पीकर लगाकर किया ऐलान, व्यापार मंडल ने भी दिया बंद का साथ। हिमाचल प्रदेश के मंडी में गिराई जाएगी अवैध मस्जिद, नगर निगम आयुक्त बोले 30 दिन में गिरानी होगी मस्जिद की दो अवैध मंजिलें। मंडी नगर निगम का मस्जिद कमेटी को सख्त निर्देश, कहा अवैध ढांचा खुद तोड़े वरना अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन करेगा कार्रवाई। शिमला व्यापार मंडल का बयान, कहा शिमला में नहीं होगा बंद का असर, खुले रहेंगे सभी बाजार। उधर कोलकाता कांड को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी, बारिश के बीच प्रदर्शन करते दिखाई दिए डॉक्टर्स, तस्वीरें सामने आई। पश्चिम बंगाल के सॉल्ट लेक स्थित स्वास्थ्य भवन के आसपास लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, स्वास्थ्य भवन के प्रदर्शन स्थल पर आरजेकर के जूनियर डॉक्टर्स धरना दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टर्स ने राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी, आरजेकर मेडिकल कॉलेज में हस्तक्षेप करने का किया अनुरोध। कोलकाता में जारी है जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन, आरजेकर मेडिकल कॉलेज के बाहर रेप और हत्या को लेकर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन स्थल पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। उधर प्रधानमंत्री मोदी का जम्मू कश्मीर का दौरा, डोडा में करेंगे चुनावी रैली को संबोधित, बदलाव का देंगे संदेश, विकास का करेंगे वादा। आज हरियाणा के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र की धरती से करेंगे चुनावी शंखनाद, विपक्ष पर करेंगे ताबड़तोड़ जुबानी प्रहार। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज महाराष्ट्र का दौरा, चुनाव के तहत सीट बंटवारे को लेकर कोर कमेटी के साथ कर सकते हैं मीटिंग। जेल से बाहर आने के बाद आज दिल्ली के सीएम जा सकते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर, हनुमान मंदिर और पार्टी ऑफिस जाने का भी प्लान है। बेल के बाद रोड शो करते दिखाई दिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, घर पहुंचकर माँ पिता का लिया आशीर्वाद। सिविल लाइंस वाले घर पर परिवार ने किया केजरीवाल का स्वागत, माँ ने उतारी आरती, पिता ने लगाया गले। तिहाड़ से बाहर आने के बाद चंदगीराम अखाड़ा से घर तक केजरीवाल ने किया रोड शो, पत्नी सुनीता केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत कई आप कार्यकर्ता मौजूद रहे। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी के दौरान एक बदमाश के पैर में लगी गोली, घायल बदमाश को पुलिस वालों ने अस्पताल में भर्ती कराया। उधर यूपी के रायबरेली में दबंगों ने महिला से की छेड़छाड़, विरोध करने पर जमकर मचाया उत्पात, महिला के घर में घुसकर पति पर किया जानलेवा हमला, घायल हालत में इलाज करवा रहा है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश हत्याकांड मामले में पुलिस का एक्शन, नादिर शाह की हत्या के आरोप में चार गिरफ्तार, स्पेशल सेल ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है। नादिर की हत्या का कनाडा कनेक्शन आया सामने, गैंगस्टर रोहित गोदारा ने तैयार किया था मर्डर का प्लान, तिहाड़ में बंद हाशिम बाबा को सौंपा गया था हत्या का जिम्मा। पैसों की लेन देन के चलते हुई नादिर शाह की हत्या, स्पेशल सेल हर एंगल से कर रही है मर्डर केस की जांच। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में सिपाही जुबैर ने युवक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, गाली देते हुए लात, घूंसे मारते डंडे से मारा, वर्दी छूने पर युवक का आरोप। यूपी के मुजफ्फरनगर में लग्जरी गाड़ियों के साथ युवकों का खतरनाक स्टंट सामने आया है, गाड़ियों की खिड़कियों से बाहर निकलकर बनाई रील, वीडियो हुआ वायरल।